तो वक्त हो चुका है क्रिप्टो न्यूज ऑफ द वीक का, जहां एक तरफ हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जो एटीएम्स हैं उनके अंदर कितना ज्यादा ग्रोथ आया है, वहीं दूसरी तरफ जानेंगे कि अमेज़न के अंदर अभी तक क्रिप्टो करेंसीज को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो अभी देख रहे शुरू करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है श्रेयस सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाने मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिप्टो न्यूज ऑफ द वीक नंबर 1 से, जो कि आ रही है सिंगापुर से। जी हाँ, सिंगापुर के अंदर जो उसके सिटीजन्स हैं उनमें से करीबन 46% सिटीजन्स ने ये बोला है कि वो अगले 12 महीने में कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी जरूर खरीदेंगे। जी हाँ, एशिया पैसिफिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के एक सर्वे के अंदर जहां पर 1000 लोगों पर सर्वे किया गया था, वहां पाया गया है कि 46% लोगों ने कहा है कि वो अगले 12 महीने के अंदर ही कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी जरूर खरीदेंगे। जिनमें से करीबन 43% लोगों ने यह भी कहा है कि उनके पास कम से कम एक क्रिप्टो करेंसी तो अभी भी है। इस सर्वे के साथ साथ सिंगापुर गवर्नमेंट ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है और वहां की अथॉरिटी का कहना है कि वो एक कैश प्राइस अनाउंस कर रहे हैं, जो भी इंसान वहां की क्रिप्टो डिजिटल करेंसी के अंदर एक नया आइडिया बताएगा और वो उसको लागू करेंगे, उस इंसान को एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो कि है एटीएम्स के बारे में। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी की जो एटीएम्स हैं वो पिछले 12 महीने में करीबन 70% की ग्रोथ दिखा चुके हैं। जी हाँ, कॉइन एटीएम रडार की माने तो उनका कहना है कि जहां पहले एटीएम्स पूरी दुनिया में करीबन 13,993 थे, वे बढ़कर अब करीबन 24,030 हो चुके हैं। जी हाँ, करीबन 70% की ग्रोथ है पिछले एक साल में, जिसमें से करीब 21,000 एटीएम खाली यूएसए के अंदर हैं। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में करीबन 75 कंट्रीज के अंदर ये एटीएम्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, उनमें से 21,000 एटीएम खाली यूएसए में हैं। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो आ रही है इंडिया से। जी हाँ, इंडिया के अंदर इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट को वैलिडेट करने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करने की बात कही है। जी हाँ, इंडिया के अंदर जो क्रिप्टोकरेंसी स्टार्टअप आया है लेजिट डॉग, उसने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर एक इथेरियम ब्लॉकचेन पर काम करने वाला एक प्रोजेक्ट निकाला है, जिसके अंदर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट को वैलिडेट कर पाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है इंडिया के अंदर। जी हाँ, जहां एक तरफ इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की सिचुएशन है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये खुशखबरी भी आ रही है कि इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी इसी तरीके की एक बात कही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे एजुकेशन पर्पसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो है अमेज़न की तरफ से। जी हाँ, आपने पहले ही रूमर सुना ही होगा कि अमेज़न अब थोड़े ही टाइम में क्रिप्टो करेंसीज को एक पेमेंट के रूप में चालू कर देगा, लेकिन अब अमेज़न ने ये बात बोल दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जी हाँ, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अमेज़न ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो ऐसा कोई भी पेमेंट मेथड निकालने नहीं वाला है, और उनका ये भी कहना है कि वो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनका अभी ऐसा कुछ भी करने का कोई भी इरादा नहीं है। जी हाँ, कुछ टाइम पहले जब अमेज़न ने एक प्रोजेक्ट लीड की क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक जॉब पोस्ट की थी, वहां पर ही एक तहलका मच गया था और रिपोर्ट में आने लगा था कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जल्द ही बहुत तेजी से चढ़ाव आने वाला है, क्योंकि अमेज़न भी इसके अंदर उतर रहा है और वो हमने देखा भी था, बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से उछल गया था। बिटकॉइन के अंदर करीबन 15% का उछाल आ गया था कुछ ही घंटों के अंदर, और करीबन 110 मिलियन की लिक्विडेशन भी देखी गई थी। लेकिन अब तो रिपोर्ट की माने तो अमेज़न ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा कोई भी पेमेंट मेथड ना तो अब आ रहा है और ना आने वाले टाइम में वह सोच रहे हैं कुछ भी लाने। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो आ रही है बाइनेंस की तरफ से। जी हाँ,
बाइनेंस के सीईओ ने अपना पद छोड़ने की बात कही है। जी हाँ, बाइनेंस के सीईओ कहना है कि वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो इस एक्सचेंज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपना सीईओ का पद छोड़ देंगे और फोकस करेंगे अपने एक्सचेंज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाए। जी हाँ, बाइनेंस की ग्रोथ को देखकर लग रहा है कि वो उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने पद को भी छोड़ ही देंगे क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और उनका कहना है कि वो आने वाले टाइम पर दूसरे देशों में भी इसके ऑफिसेज और हेडक्वार्टर्स बनाएंगे जहां पर भी इसकी इजाजत उनको मिलेगी। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर जो आ रही है मास्टर कार्ड की तरफ से। जी हाँ, मास्टर कार्ड ने एक ग्लोबल स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, मास्टर कार्ड ने क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने के लिए अपना एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है न्यू स्टार्ट पाथ ग्लोबल स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम, जो कि हेल्प करेगा नए स्टार्टअप को जल्दी एक्सेलरेट करने के लिए और ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर जो नए स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही तेजी से जो अपना सिस्टम चल रहा है उसको सीख भी पाएंगे और उसके अंदर एक्सेलरेट भी कर पाएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब मास्टर कार्ड ऐसा कर रहा है। सन 2014 में भी उसने ऐसा ही एक स्टार्टअप प्रोग्राम निकाला था और उसके अंदर करीबन 250 स्टार्टअप्स को बेनिफिट किया था। तो इससे तो ये साफ साफ लग रहा है कि मास्टर कार्ड पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज की ग्रोथ में हेल्प करने की तेजी में लगा हुआ है और अपने कॉम्पिटिटर वीजा को भी पूरा पूरा कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर जो आ रही है वजीरेक्स की तरफ से। जी हाँ, वजीरेक्स अगले महीने अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च करने वाला है। जहां एक तरफ वजीरेक्स पर कुछ केसेस भी चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जो को-फाउंडर हैं उनका कहना है कि अभी जो ये एक्सचेंज है उस पर ट्रायल चल रहे हैं और ये अगले महीने तक लॉन्च हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ आप क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांजैक्ट कर पाएंगे बहुत ही तेजी से, सिक्योरिटी के साथ और डायरेक्टली। उसके अंदर आपको कोई भी मीडिएटर नहीं मिलेगा। इसके बारे में अभी वजीरेक्स ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी है और देखते हैं आने वाले टाइम पर इसके बारे में और क्या पता लग पाता है। तो अगली न्यूज आ रही है बहुत ही बड़े ब्रांड से। जी हाँ, कोका कोला की तरफ से। कोका कोला अपना खुद का NFT लॉन्च करने की बात कर रहा है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कोका कोला का कहना है कि वो जल्द ही एक NFT लॉन्च करने वाले हैं और जो भी NFT से उनके पास पैसा आएगा वो उस पैसे को स्पेशल ओलंपिक में दे देंगे। और जो ये NFT है वो मार्केट प्लेस में आ जाएगा 30 जुलाई के अंदर और ये करीबन 92 घंटे तक ही रहेगा। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर जो आ रही है PayPal की तरफ से। जी हाँ, PayPal अपना सुपर ऐप वॉलेट निकालने वाला है। जी हाँ, सुपर ऐप वॉलेट ये होगा सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए, जो अब जल्दी ही PayPal निकालने वाला है। जी हाँ, PayPal जिसके अंदर बहुत ही तेजी से यूजर्स बढ़ रहे हैं और करीबन एक साल के अंदर इसमें 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स आ चुके हैं और करीबन 311 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट ट्रांजैक्शंस भी इसके अंदर हो चुकी हैं। इसी वजह से हमने आपको पहले न्यूज में भी बताया था कि PayPal अपनी वीकली लिमिट 20,000 से करीबन 1,00,000 करने वाला है और क्रिप्टो करेंसी की परचेज लिमिट जो कि एनुअली 1,00,000 थी उसको भी हटा रहा है। तो ये जो आपकी सुपर ऐप वॉलेट ऐप है ये बहुत ही जल्द आ जाएगी और इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए काफी सारे फीचर्स होंगे। तो अगली न्यूज आ रही है रशिया से। जी हाँ, रशियन यूनिवर्सिटी ने एक टाइम कैप्सूल को डेवलप करने की बात कही है जिसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसीज के एसेट्स को सिक्योर रख सकते हैं। जी हाँ, रशियन यूनिवर्सिटी ने एक टाइम कैप्सूल बनाना है जिसके अंदर आप अपनी सारी क्रिप्टो करेंसीज के एसेट्स, डाटा, इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर पर्सन को ही मिलेगी। सिर्फ शर्त ये है कि आप उस ब्लॉकचेन पर जो भी डाटा अपलोड करेंगे वो करीबन 6 महीने पुराना होना जरूरी है। ये आपका एक प्राइवेट वॉल्ट बन जाता है जो आप किसी को भी दिखाना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि ये जो आपका डाटा है वो आपके मरने के बाद ही किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को मिले, तो वही टाइम बाद उसी पर्सन को ही वो डाटा
मिल सकता है। एक पर्सन फ्री में सिर्फ दो टाइम कैप्सूल्स को ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसफर कर सकता है और वो भी सिर्फ एक बार। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कितने तरीके के नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और इनसे आने वाले टाइम पर बहुत ही ज्यादा सिक्योर नेटवर्क बन सकता है, एसेट्स को सिक्योर रखने का, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर रखने का और आपकी जानकारी को सिक्योर रखने का भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।